Hello everyone, welcome to chapter 4, QBasic Programming. Myself Preeti Godha welcomes you to the video. In this video, we are going to discuss about the next one, that is GoTo statement. The GoTo statement is used to transfer the control of the program to the specific command or the line number. That means GoTo statement kya karta hai? Aapki commands ka control kisi particular line number pe share karta hai. Let's take an example. Suppose that you come to me, then I gave you command go to that place. Okay, I am sending you somewhere else. That means I am giving you some instructions ki aapko kahan jana hai. Kahan ke liye main aapko location bata rahi hu ki go to Indore, go to Ujjain. Okay, this type of the instructions I am giving. To yahan pe hame jo instructions dene hote hain, that should comes under the as the line number. तो आपको यहाँ पर कमांड देनी है कि गो टू लाइन नंबर दिस, गो टू लाइन नंबर दैट. ओके, तो यहाँ पर हमने सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट यूज किया प्रिंट स्टेटमेंट. प्रिंट स्टेटमेंट हेल्प्स अस टू प्रिंट द स्टेटमेंट विच इज रिटन अंडर द डबल कोटेशन मार्क. तो यहाँ पर रेड कलर लिखा था, सेम एज इट इज रेड कलर विल बी द आउटपुट. नेक्स्ट, फिर प्रिंट दिस मैसेज विल नॉट बी डिस्प्लेड. क्यों ये मैसेज डिस्प्लेड नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या लिख दिया था, गो टू 25. तो डायरेक्ट यहाँ के बाद में इस लाइन पर आया और इसके बाद में कहाँ आ गया, 25. दैट मीन्स ये वाली जो लाइन है, ये मैसेज को उसने इग्नोर कर दिया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बता दिया था गो टू 25. तो 25 उसने सर्च करा और 25 पे चला गया. और 25 पे क्या लिखा है, ग्रीन कलर. क्या स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, ग्रीन कलर. दैट मीन्स गो टू स्टेटमेंट हेल्प्स अस टू सेंड द एग्जीक्यूशन or to transfer the execution to the other part of the program. Next, logical boolean operator. Logical boolean operator are used to combine the multiple conditions along with the other mathematical or the relational operator. जो logical operator होते हैं वो हमेशा multiple conditions को या तो mathematically या फिर relationally operator के through solve करते हैं. Okay, so let's see the first logical operator. Basically we have three types of logical operator: AND operator, OR operator, NOT operator. So see the first operator, AND operator. AND operator के अंदर हम ये ध्यान रखेंगे, जब भी हम logical operator use करते हैं, at that time we are giving two conditions. दो अलग-अलग condition होगी, but remember always give the condition either in the true or in the false form. जो condition होगी या तो true होगी या false होगी, ठीक है? इन दोनों कंडीशन को देखकर आपका एक रिजल्ट बनता है. तो रिजल्ट कैसे बनता है, उसके कुछ रूल्स हैं. अगर हम एंड ऑपरेटर की बात करते हैं, तो एंड ऑपरेटर मतलब कि दोनों, एंड गीता एंड सीता, दैट मींस दोनों. ओके, तो ऐसे ही सेम हम लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर एंड ऑपरेटर की बात करते हैं, तो दोनों कंडीशंस, दैट मींस कंडीशन वन एंड कंडीशन टू, दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होती है तो आउटपुट ट्रू मिलता है. दैट मीन्स अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट ट्रू मिलेगा. दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो आउटपुट फॉल्स मिलता है. तो आप यहाँ पर चेक करेंगे, कंडीशन फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, तो आउटपुट ट्रू मिल रहा है. ऐसे सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट में कंडीशन फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया तो आउटपुट फॉल्स मिलेगा. नेक्स्ट, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया तो आउटपुट फॉल्स मिलेगा. ऐसे नेक्स्ट, फर्स्ट भी फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, तो दोनों ही जब कंडीशन फॉल्स होगी तो आउटपुट फॉल्स ही मिलेगा. तो दैट मींस एंड ऑपरेटर क्या बताता है कि दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू है तो ही आपको ट्रू मिलता है आउटपुट, अदरवाइज फॉल्स मिलता है. नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर है और ऑपरेटर. और राइट एन एसे ऑन दिवाली और द काउ. तो आपने क्या किया, दोनों में से किसी एक पर ऐसे लिखा, और मतलब कोई एक. दैट मीन्स अगर कोई एक स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाता है तो आपका आउटपुट ट्रू होता है, ठीक है? दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो आउटपुट ट्रू होता है. यहाँ पर हम देखते हैं, कंडीशन फर्स्ट आपकी ट्रू है, सेकेंड भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू है तो बहुत ही अच्छी बात है. हमको तो मिनिमम एक चाहिए, दो मिल जाते तो बहुत ही अच्छी बात है. तो दोनों में से कोई एक ट्रू हो गया ना, दोनों ही ट्रू है तो ट्रू मिलेगा. अब यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, कोई एक ट्रू मिल चुका है तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू. नेक्स्ट, एक फॉल्स है, एक ट्रू है, ये ट्रू मिल चुका है तो आउटपुट ट्रू. नेक्स्ट,
दोनों ही फॉल्स है, एक भी वैल्यू ट्रू नहीं है, तो आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स. ओके, तो दैट मीन्स और ऑपरेटर के अंदर कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो जाती है तो आपको आउटपुट ट्रू मिलता है, अदरवाइज फॉल्स मिलता है. द थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर इज नॉट ऑपरेटर. द थर्ड ऑपरेटर है वो है नॉट ऑपरेटर. ठीक है, रिमेंबर दिस, लॉजिकल एंड ऑपरेटर और लॉजिकल और ऑपरेटर दोनों ही दो इनपुट पर काम करते हैं, बट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर सिर्फ एक ही इनपुट पर काम करता है. दैट मीन्स इसके अंदर एक ही कंडीशन होती है. यहाँ पर दो कंडीशंस के बेसिस पर आपको रिजल्ट मिलता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो भी कैसी है? नॉट है. नॉट दैट मीन्स अपोजिट. ओके, अपोजिट किसका? अगर ट्रू है तो फॉल्स रिजल्ट देगी और फॉल्स है तो ट्रू रिजल्ट देगी, इसको अपोजिट बोलते हैं. ठीक है, तो आज हमने वीडियो में तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े, लॉजिकल एंड जिसके अंदर दोनों ही वैल्यूज ट्रू होती है तो ही आउटपुट ट्रू मिलता है, अदरवाइज फॉल्स मिलता है. नेक्स्ट हमने लॉजिकल और ऑपरेटर पढ़ा, एंड दैट इफ एनी वन वैल्यू इज ट्रू, दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू हो जाती है तो आउटपुट ट्रू मिल जाता है. लास्ट वन इज नॉट ऑपरेटर. नॉट ऑपरेटर इंडिकेट्स दैट कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट होगा और अगर इनपुट ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स, और आउटपुट सॉरी इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू होगा, अपोजिट का काम करेगा. ओके, आई होप दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स आर वेरी क्लियर टू यू. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस लॉजिकल ऑपरेटर वीडियो. आई होप यू लव दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल. थैंक यू एवरीवन.